आज हम अचारी भरवा मिर्च बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है और एकदम टेस्टी मजेदार रेसिपी है। ये हमारी दादी नानी की रेसिपी है जो दादी नानी हमारी बनाया करती थी। वो रेसिपी से हम आज इसको बना के तैयार करेंगे। ये ऐसी रेसिपी है कि आपने यदि एक बार बनाई तो आपके घर में सभी लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 कप नॉर्मल घर का जो बेसन होता है उसको लिया है। इसको हमें स्लो गैस पर अच्छे से भून लेना है। इसको हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। हम इसमें ऑयल या कुछ भी नहीं डालेंगे। बेसन को हमें अच्छे से मिलाते हुए भून लेना है। यदि हम उसको हिलाएंगे नहीं तो बेसन एक साइड बैठ जाएगा और वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें इसको कंटिन्यू हिलाते हुए अच्छे से भून लेना है। जब तक कि इसका आपको कलर चेंज ना दिखे तब तक हमें इसको अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। मैंने यहाँ पर 2 तरह की हरी मिर्च ली है। एक ऐसी मोटी आती है, ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है। ये जो आती है ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, ज्यादा नहीं होती। इसको हमें अच्छे से धो के ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसको डंडी को निकाल देंगे और उसके बीज को भी हमें निकाल देना है। उसके बाद हम इसे बीच में से ऐसे कट लगाएंगे जिसमें कि हम मसाला स्टफ करेंगे। आप चाहें तो बीज रख के भी बना सकते हैं। मैं बीज को निकाल के ही बना रही हूँ। आप देख सकते हैं दोनों मिर्च को हमें ऐसे बीज से कट लगाना है और इसके बीज निकाल देंगे। कई बार ये मिर्च में बीज बहुत ही स्पाइसी होते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं। सभी में से हमें ऐसे बीज निकाल के मिर्च को रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने इसको निकाल के साइड में रख दिया है। अब हमारा बेसन भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। 2 चम्मच हमें इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर कश्मीरी वाला ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने अचार का मसाला लिया है। अचार के मसाले की रेसिपी, आम के अचार का वीडियो मैंने जो डाला हुआ है चैनल पे, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वो 3 चम्मच हमें मसाला डालना है। रोस्टेड मूंगफली दाने या भुने हुए मूंगफली दानों को हमने रफली क्रश किया था, उसको हमें 3 से 4 चम्मच ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मूंगफली दाने की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमने जो अचार बनाया था आम का या कैरी का, उसको हमें इसमें मसाले को ऐड करना है। हम इसमें से थोड़ा सा ऑयल और मसाला ऐड करेंगे। बने हुए अचार में से 3 चम्मच मसाला ऐड करेंगे। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आएगा और ये अचार ही भरवा मिर्च है तो इसमें अचार का मसाला हमें जरूर से ऐड करना है ऑयल के साथ। अब मेरे पास ऐसे बॉटल में अचार का ऑयल और मसाला भी है तो हम उसको भी ऐड कर देंगे। इसमें से हमने कैरी के पीस निकाल लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा बेसन ऐड करके, जो हमारी दादी नानी करती थी, सेम वही प्रोसेस है कि अभी इसमें बेसन डाल के तेल को हमें अच्छे से निकाल लेना है जिससे कि बेसन में पूरा तेल आ जाएगा और अचार के तेल का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है बेसन में। आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच हींग का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। सबसे पहले हमें बेसन के साथ सारे मसाले मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही हम उसको टेस्ट करके इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो अचार का मसाला डाला था उसमें भी नमक था और जो हमने अचार में से निकाल के मसाला डाला था उसमें भी नमक था। तो आप उसको चेक करके ही इसमें ऐड करिएगा, नहीं तो नमक ज्यादा हो जाएगा। अब मिर्च में हम अच्छे से मसाले को स्टफ कर देते हैं या भर देते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे हमें अच्छे से इसमें भर देना है। ऐसे ही हमें जो पतली वाली मिर्च है उसको भी स्टफ कर देना है मसाले से। अच्छे से हम इसको टाइट सा बंद करेंगे जिससे कि ये मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मसाला भर के स्टफ कीजिएगा।
ऐसे हमें साइड से भी इसको अच्छे से फिल कर देना है या भर देना है। आप देख सकते हैं हमारी सारी मिर्च को अच्छे से हमने स्टफ करके रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि मिर्च में से मसाला ना निकल जाए, इसलिए हम इसको ऐसे धागे से इसको बांध देंगे, जिससे कि ये मिर्च अच्छे से भरवा रहेगी और बिल्कुल भी इसमें से मसाला नहीं निकलेगा। नहीं तो हम इसको जब तड़का देंगे और हिलाएंगे तो मिर्च में से मसाला पूरा बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमें धागे से इसको अच्छे से लपेट लेना है। आप देख सकते हैं हमने सारी मिर्च को धागे से बांध दिया है या लपेट लिया है। अब एक पैन लेंगे और उसमें हमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच मेथी दाने डालेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और 1 चम्मच के बराबर हम इसमें कलौंजी डालेंगे। अचारी भरवा मिर्च है तो कलौंजी से ही तड़का देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसका। उसके बाद हम सभी मिर्च को इसमें रख देंगे। ऐसे डायरेक्ट से हमें उसको प्लेट से डालना नहीं है, हम मिर्च को ऐसे रख देंगे। उसके बाद हम ऊपर से ढक्कन लगा के इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको एक बार हिला लेंगे। आप देख सकते हैं ये मिर्च एकदम फ्रेश है तो हमें इसमें और ज्यादा ऑयल या पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिर्च हमारी ऐसे ही अच्छे से पक जाएगी। इसको हमें एक बार अच्छे से ऊपर नीचे कर लेना है और दोबारा से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये मिर्च को बनने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। यदि आपके पास बेसन भुना हुआ रखा है तो आप फटाफट इसको बना के तैयार कर सकते हैं। इसको हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ये मिर्ची का कलर चेंज हो चुका है, मिर्ची अच्छे से पक चुकी है। अब ऊपर से हम मिर्ची के हिस्से का थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें से धागे को निकाल देंगे, जिससे कि हम ऊपर से जो मसाला हमारे पास बचा था उसको ऐड करेंगे तो फिर बाद में धागा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मसाला ऐड करने से पहले हम मिर्च में से सारे धागे निकाल देंगे। अब हमें मिर्च को ज़्यादा हिलाना नहीं है, हम मसाले को ऊपर से ऐसे डाल देंगे। सारा मसाला हमने डाल दिया है। अब इसको ढक्कन लगा के गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। आप देख सकते हैं इसी के अंदर जो मॉइस्चर था, भाप थी, उसी से ही मसाला अच्छे से मिल चुका है इसके साथ। बस हम उसको बहुत धीरे से एक बार हिला देंगे। मैं आपको मिर्च को चेक करके भी बताती हूँ, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, ऐसी मिर्च होनी चाहिए। अब इसको हम गरम गरम सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अचारी भरवा मिर्च हमारी बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो चुकी है। अचारी भरवा मिर्च को आप दाल चावल के साथ या रोटी चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।